बैक, दिस इज मी योर विशाल सर। तो गाइस रिजल्ट और वेटर सिस्टम को निकल करके बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गाइस कल बहुत बड़ा एक हैपनिंग हुआ था। पहले तो मैं आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से हम आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे थे, आप चाहो तो वीडियोस में जाके देख सकते हो। मैंने आपको बार बार बताया था कि रिजल्ट को लेकर के, वेटर सिस्टम को लेकर के, कॉपी चेकिंग प्रोसेस को लेकर के सीबीएसई ऑफिशियल्स के बीच में डायरेक्ट एक बड़ा मीटिंग हो रहा है और इसका डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं कौन, भारत के शिक्षा मंत्री। कल लेट इवनिंग, मैंने आपको लेट नाइट कहना चाहिए, मैंने आपको ये एक वीडियो भी दिया, उनका लाइव, उनका एक क्लिप दिखाया जिसमें कि वो खुद कह रहे हैं कि भाई उन्होंने सीबीएसई ऑफिशियल से जानकारी ली है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये खुद कहा कि भाई रिजल्ट जो है वो टाइमली आ रहा है। अब एक बड़ा सवाल जो आप लोगों का लगातार मुझे लाखों स्टूडेंट्स का मिल रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा। आईसीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट जो है आज शाम को पब्लिश हो रहा है विद 50-50 वेटेज सिस्टम, तो क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा या कब आएगा, क्या डिले होगा। पहला बात तो बच्चों, अब अगर आप ये सोच रहे हो ना कि रिजल्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक डेट को आएगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आपको ओपन बता रहा हूं, सीबीएसई ने सारे रूल्स को ब्रेक कर दिया है। आज भी संडे को भी अगर आप सोचते हो रिजल्ट नहीं आ सकता तो गलत है। आईसीएसई बोर्ड इसका बेस्ट एग्जांपल है। एनीथिंग कैन हैपन। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आज सुबह से वीडियोस डालना शुरू कर दिए, बच्चों ने मेरे साथ में, आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया कि सर वो कह रहे हैं आज ऑफिसर्स की छुट्टी होती है, ये होती है, वो होती है। अरे सर कोई छुट्टी नहीं है, अभी इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है, इतना बड़ा गड़बड़ी पकड़ में आया है और आप बोलते हो छुट्टी होगा। हाँ, और रिजल्ट अगर जो बहुत सारे यूट्यूबर का ये भी कह रहे हैं सर फलाना ये डेट था, वो डेट था और एग्जाम का डेट देखो तब भी रिजल्ट नहीं आया। अरे भाई आप क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। ये पूरे यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ हमने इसको सबसे पहले रन किया था, वीडियो अपलोड किया इसके बाद और इस बात को रेज किया, सीबीएसई को भी मेल किया कि भाई तीन तीन सब्जेक्ट्स में अच्छे खासे मार्क्स हैं और उसके बाद में किसी एक दो सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स को गिरा दिया जाए तो क्या आप एग्री करोगे ऐसे रिजल्ट को, क्या आप क्लास 10 12th के। अब आप जरा सा यहां देखो कि क्लास 10th का क्या मामला है। क्लास 10th का पता है किसमें गड़बड़ी होने की बात हो रही है, सोशल साइंस में। ये देखो सोशल साइंस पे SST पे क्लास 10th का गड़बड़ी का मामला सामने निकल के आया है और क्लास 12th में जो है वो आपका केमिस्ट्री पेपर में गड़बड़ी का मामला देखने को मिल रहा है। ये देख लो आप केमिस्ट्री और ये देखो सोशल साइंस, ये है क्लास 10 और ये है क्लास 12। ये देखो अब आप ऐसे में चाहते, और इसी वजह से भारत के शिक्षा मंत्री को खुद जो है वो मीटिंग होल्ड करना पड़ रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा था ये मीटिंग अभी जारी रहेगी, अभी अभी ये एक दो दिन का मामला नहीं है, पूरे मामले को पकड़ा जा रहा है कि कहां गड़बड़ी हुई। और जहां भी गड़बड़ी हुई देखिए वहां पे साफ साफ शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि सीधा सीधा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उन सभी कॉपी चेकर्स के ऊपर में। ये देखो कॉपी किस कॉपी जांचा जा रहा है कि किस परीक्षक ने ऐसा कॉपी चेक किया है, ठीक है, और जिस परीक्षक के द्वारा मूल्यांकन में गड़बड़ी की बात सामने आएगी तो ऐसे परीक्षक पे कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब आप समझ सकते हो क्या सिनारियो है। लेकिन जहां तक रिजल्ट की बात है उस पे लगातार बात चल रहा है और बच्चों मैंने पहले भी कहा है कि रिजल्ट जो है वो अचानक से आता है, ट्रैफिक क्रैश हो, पूरा जो है इतना बढ़ जाता है कि वेबसाइट क्रैश हो जाता है। और इसी वजह से जो आप लोग मुझसे कह रहे थे कि सर रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, देखो मैंने आपको बहुत सारा तरीका बताया था, आप चैनल पे जाना, फोन से कैसे आप रिजल्ट पा सकते हो, SMS से कैसे रिजल्ट पा सकते हो, डीजी लॉकर का मैंने बता दिया। और अभी देखो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां क्रैश हो तो आपको मैं एक ऐप बता दे रहा हूं, वहां से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। तो बच्चों अपना रिजल्ट सबसे फास्टेस्ट और इजीएस्ट वे में देखने के लिए अपने मोबाइल फोन पे सबसे पहले ओपन कीजिए गूगल प्ले स्टोर और वहां टाइप करो आप सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट। जैसे ही आप ये टाइप करोगे सेकंड नंबर पे जो ये आपको ऐप दिख रहा है, इस ऐप को ही आपको करना है अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद में आप सबसे पहले आप इसे रेटिंग दे दो, आप इसे 5-star रेटिंग भी दे सकते हो और रेटिंग देने के बाद में आपको इसे अपना रिव्यू भी देना है सो दैट कि ये किसी और के हेल्प में आए। और जैसे ही आप अपना रिव्यू इसे दे देते हो उसके बाद में बस आपको करना है इस ऐप को ओपन, और ओपन करने के बाद में फिर आपको सामने दिखाई दे रहा है अब क्लास 10th और जो 12th है दोनों क्लासेस आपको दिख रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास में हो अब आप अपना रिजल्ट इजीएस्ट वे में देख सकते हो और वो भी सबसे फास्टेस्ट वे। आई होप गाइस कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अभी का देखो अभी जो सिनारियो है कि भाई बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या होगा वेटर सिस्टम का क्या होगा। बेटा एक बात बताऊं, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स सब्जेक्ट वाइज ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो है वो किसी भी हालत में सब कुछ सही था, इसमें कोई भी इशू नहीं था। लेकिन मामला क्या हुआ, बहुत सारे यूट्यूबर ने इसे बहुत गंदे ढंग से, बहुत गलत तरीके से इसे सबके सामने में पेश किया, ऐसा पेश किया जैसे कि ये चीज मतलब बच्चे जो है ना विलन टाइप का मांग रहे हैं इसे,
क्या खराबी है? टर्म 1 भी बच्चे ने दिया था, टर्म 2 में भी। अब आईसीएसई बोर्ड का बात करते हैं, क्लास 10th का आज रिजल्ट निकल रहा है शाम 5 बजे, उनका वेटेज सिस्टम रह गया है 50-50। अब 50-50 जो रखा गया है, क्या उनके पेपर्स में गड़बड़ी की मामला, एक भी मामला आपने पढ़ा था एग्जाम के दौरान? नहीं। क्या उनके कॉपी चेकिंग में कोई इशू आया था? नहीं। क्या अनफेयर मींस का यूज बात सामने आया था? नहीं। क्या कोई पेपर में कुछ बात छपा था? नहीं। तो भाई वो 50-50 के साथ क्यों नहीं जा सकते? वो जा सकते हैं, लेकिन हमें तो इस चीज की जरूरत थी ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका टर्म 1 अच्छा गया, सारे बच्चे अच्छे ऐसे हैं जिनका टर्म 2 अच्छा गया कुछ सब्जेक्ट्स, तो भाई उनको न्याय मिलता ना, सब कुछ ठीक था, लेकिन मामला वहीं का वहीं है, गड़बड़ी है, यूनिटी की कमी होना, सही चीज को गाइडेंस नहीं मिलना और बहुत सारे लोगों के द्वारा गलत गलत ढंग से बातों को फैलाना। गाइज मैं अभी भी आपको बोल दे रहा हूं कि आप सबको अब अलर्ट मोड पे आना चाहिए। रिजल्ट 24 जाएगा, 25 जाएगा, वो बात की बात है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। डॉक्टर सॉरी जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये देखो, ये हैं भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, खुद उनको ने ये बात कहा और उनका कहना है कि रिजल्ट में कोई देरी नहीं हुई है, ये देखो कोई देरी नहीं हुई है, नतीजे समय पर आएंगे। अब वो क्या कहेंगे? वो ये बोलेंगे कि भाई हमारे ऑफिशियल से गड़बड़ी हो गई है, अभी उसका चेकिंग चल रहा है, वेटेज सिस्टम डिस्कस नहीं हुआ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं भी ये चाहता हूं रिजल्ट जब भी आए लेकिन सही तरीके से आए, किसी बच्चे का एक नंबर भी गायब ना हो। अभी पता है आईसीएसई बोर्ड वाला का कॉपी रीचेकिंग का भी डेट उन्होंने निकाल दिया, 17 जुलाई से आई थिंक 23 जुलाई तक का उनका डेट रखा गया, आज शाम को रिजल्ट निकलेगा और 17 से 23 के अंदर में जो बच्चे अपने सब्जेक्ट से खुश नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पता है पर सब्जेक्ट कितना रखा गया है? 1000 रुपीज। एक कॉमन आदमी के लिए, एक कॉमन फैमिली के लिए, मीडियम क्लास फैमिली के लिए क्या ये पॉसिबल है? आप बताओ। मतलब ये तो जानबूझ करके हड़काने के लिए रख दिया गया, ऐसा लगता है कि भाई इतना चार्ज रख दो कि ज्यादा बच्चे कॉपी रीचेकिंग के लिए जाए नहीं। कितना गलत बात है ये, कितना गलत बात है। जहां हम लोग एक तरफ मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं वहां एक तरफ हम ऐसा चार्जेस रखते हैं, अब क्या किया जा सकता है बताओ। हाँ, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई रिजल्ट आए बिल्कुल आए लेकिन सही ढंग से आए, वेटेज सिस्टम अब क्या होगा वो तो सीबीएसई के हाथ में बेटा। हिमांशु जी और मैं अपने तरीके से, अपने अपने तरह से हम लोग जो कर सकते थे, हमने मिलके भी कैंपेन किया, हमने सिंगल में भी कैंपेन किया, जो हम कर सकते थे बेटा, आप लोगों ने गवाह हो आप लोग, हमने सब कुछ किया। अब रेस्ट एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ गॉड, ठीक है, ऊपर वाले के हाथ में है। सो बी पॉजिटिव। मीटिंग, मैं फिर से कह रहा हूं, मीटिंग जारी है, ठीक है, मीटिंग जारी है, रिजल्ट डेट, वेटेज सिस्टम, दोनों पे बहस जारी है और देखा जाए कब से क्या चीज निकल कर के आता है।